विराजमान। आज बहुत ही सुंदर कथा का चतुर्दिवस, आज भगवान बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्तजन पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ा सुंदर दिव्य और भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत यज्ञ का रावत परिवार के द्वारा अपने पितरों के मुक्ति हेतु समय बहुत हो चुका है और आज बहुत सारी कथाएं हैं। मेरे कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। तो इधर उधर की बातें न करके अगर समय मिलेगा तो फिर बाद में कर लेंगे, रिश्तेदारी वगैरह बाद में निकाल देंगे, पहले कथा को पूर्ण करने का प्रयास करें। कथा छोड़ी तो यजमान परिवार मेरी फीस काट देंगे, ये भी मुश्किल है। अब ब्राह्मण का तो परिवार ब्राह्मण का भी होता ही है, परिवार भी चला नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा होए ताकि मेरी फीस भी बढ़े, मेरे यजमान भी खुश रहे और जानने वाला ब्राह्मण भी खुश होकर के जाए। बीच बीच में थोड़ा सा मजाक भी होनी चाहिए, पर अच्छी मजाक, ऐसा ना हो कि आदमी मजाक का पात्र बन जाए, नहीं, जो सहन करने योग्य हो, क्योंकि भगवान ने भी बहुत लीलाएं की है मजाक मजाक का, हंसी हंसी का, क्यों, जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है हंसना। हंस आदमी तब तक नहीं सकता जब तक अंदर से खुश नहीं है। कभी देखना कोई बनावटी हंसी हंस रहा हो, साफ पता चल जाएगा कि ये बाहर से हंस रहा है। हेलो, तब तक आदमी हंस ही नहीं सकता आप अगर अंदर से प्रसन्न नहीं है। तो भगवान चाहे आप अंदर से प्रसन्न रहे और ऐसी हंसी हंसे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। समय ज्यादा नहीं लूंगा, भगवान दैत्यों को मारते हैं ऐसा नहीं है, मेरे प्रभु को कोई जिस भाव से पुकारे, जिस भाव से स्मरण करके, भगवान वही प्रकार की उसी प्रकार की गति उसे प्रदान करते हैं, ये भगवान का नियम है। तुम कहते हो ना परीक्षित कि भगवान दैत्य को मारते हैं, फिर प्रहलाद क्या था, हिरण्यकश्यपु ने शत्रु के भाव से देखा तो उदंड विकीर्ण कर दिया, और प्रहलाद ने प्रेम की दृष्टि से देखा तो हृदय से लगा दिया। अब बताओ भगवान समदर्जी है कि नहीं, भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है, वो तो आपके और हमारे समझने का भाव कि भगवान को हमने किस रूप में समझा है, किस रूप में भगवान को देखा है, भगवान भेदभाव नहीं करते। जैसा ईश्वर का स्वरूप, उस स्वरूप में यदि तुम रहोगे, भगवान के उस स्वरूप को यदि पहचानोगे तो भगवान तुम्हें जीवन पर्यंत आनंदित रखेंगे। भगवान को बैरी के रूप में देखोगे तो भगवान गति जरूर देंगे, पर बैरी के रूप में वैसे ही गति तुम्हें देंगे। हे परीक्षित, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। जैसे प्रहलाद का नाम सुना सो परीक्षित के झट से पूछ जा, बोले प्रभो ये प्रहलाद के विषय में हमने बहुत सुना है बाल्यकाल से ही, और भगवान का अनन्य भक्त, बोले हाँ, और ये जो हिरण्यकश्यपु ये भगवान का कट्टर विरोधी, ये कैसे बन गया, बोले एक समय की बात है, हिरण्यकश्यपु जब धरती को अपहरण करके हरण करके प्रसाद तल में ले गया था तो भगवान ने बराह रूप धारण किया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष के मुख से छुड़ा करके हिरण्याक्ष को मृत्यु दंड दिया, बस उसी दिन से हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया। कट्टर बैरी क्या बन गया, चल दिया तपस्या करने के लिए, यहां तपस्या करने जैसे चला पर इससे पहले एक कथा आती है सूक्ष्म में, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा आपको, ये जानना जरूरी है कि हिरण्यकश्यपु जैसे के घर में और प्रहलाद जी का जन्म हो, हिरण्यकश्यपु जो भगवान को मारने हेतु तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर जाने लगा, जैसे ही पहुंचा तपस्या करने जिस वृक्ष के नीचे बैठा था, यहां देवताओं ने कहा गुरु बृहस्पति जी को, महाराज हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जा रहा है, पीछे हो रहा हो जाला,
यदि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो संसार का विनाश हो जाएगा। गुरु ब्रह्मचारी जी चल दिए जंगल की ओर और एक तोते का स्वरूप बनाया और उसी वृक्ष पर बैठ गए। ध्यान से सुनने वाले पता है, उसी वृक्ष पर बैठ करके नारायण नारायण रखने लगे। हिरण्यकश्यप ने सुना कि जिसको मारने के लिए मैं तपस्या करता हूँ ये तोता उसी का नाम रख रहा है, आज का दिन कुछ शुभ नहीं है, और चल दिए घर। पत्नी कयादु भगवान की अनन्य भक्ता है, मेरे स्वामी बिना कार्य पूर्ण किए कभी घर आती ही नहीं, आज क्या बात हो गई? स्वामी कोई विघ्न पड़ा क्या जंगल में, आपकी तपस्या में कोई बाधा पड़ी है क्या? बोले हाँ देवी, क्या बाधा पड़ी महाराज? बोले जिसको जो मेरे बैरी का नाम लेता था, जिसको मृत्यु हेतु मैंने जो तपस्या के लिए गया था, और वो तोता बार बार नारायण नारायण की रट लगा रहा था। कयादु ने बोला क्या कहा महाराज? बोले हाँ देवी, ये नारायण नारायण की रट लगाता था, मेरे बैरी का नाम लेता था। कयादु जो भगवान की अनन्य प्रेमी है, अनन्य भक्त है, आज शुभ अवसर देखा, मेरे पति की मुख से कम शत्रु के भाव से पर नारायण निकला तो सही, मेरा नाम भी कयादु नहीं, मैं भी धर्म पत्नी नहीं, यदि मैंने अपने पति के मुख से 108 बार यदि नारायण का नाम न रटाया तो मेरा नाम भी कयादु नहीं। सारी नौकरानियों को भगा दिया, आज स्वयं भोजन पकाऊंगी अपने राजा के लिए, सुंदर से पकौड़े तल दिए तेल में, प्रसन्न हो गए मेरे हिरण्यकश्यप पकौड़े जैसे खाए। बोले लगे महाराज जरा फिर से कहो, मुझे कुछ स्मरण शक्ति मेरी कम हो गई है, आपने क्या कहा वो तोता क्या नाम रट रहा था? बोले देवी कितनी बार बताऊं? बोले बार बार नारायण 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 की रट लगा रहा था। अच्छा महाराज, पकौड़े गिरे खाए, रात सायंकालीन हुई, भोजन पका, अपने हाथ से भोजन बनाया है, भोजन खिलाया, भोजन खिलाते खिलाते एक बार बोले बोले भगवान प्रभु, भोजन से पहले पहले एक बार और आपने मुझे सुना था, ऐसा न हो कि आपके मुझसे कुछ और निकला हो और आप कुछ और कह रहे हो, क्या कहा था उस तोते ने? बोले देवी कैसी बात करती हो, मैं बूढ़ा जरूर हुआ पर इतना बूढ़ा नहीं हुआ, नारायण 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 नाम की रट लगाता था वो तोता। अच्छा स्वामी, भोजन किया, रात्रि भी राक्षस कामांध होते हैं और रात्रि के समय जैसे अपनी सैया पर गए, अपने शयन कक्ष पर गए, पीछे पीछे कयादु भी चल दी, कामांध हिरण्यकश्यप जो कयादु कहती है वही आज कर रहा है। जैसे सैया पर लेटे हैं, महाराज आप क्रोधित तो नहीं होंगे? बोले नहीं, फिर तो हम सोने जा रहे हैं, एक बार और कह दो कि मुझे विश्वास नहीं होता एक तोता कैसे नारायण की रट लगा सकता है। देवी मुझ पर विश्वास नहीं है? बोले है तो सही महाराज, पर ये आज बड़ी अटपटी सी बात सुन रही हूं मैं। बोले देवी अब बार बार नहीं, बोला आप कहो ना स्वामी। और वही रात भर कई बार कयादु पूछती रही कामांध हिरण्यकश्यप, और जैसी पत्नी कहती है, और 108 बार नारायण नारायण की रात्रि को रट लगाता हुआ वही रात्रि थी कयादु के गर्भ में और प्रह्लाद जैसे संत के स्थापित हो गए थे। ये है मेरे प्रभु राम की विशेषता है। परीक्षित कहते हैं महाराज मैं सुनना चाहता हूं, ऐसा प्रह्लाद ने क्या था कि उन्होंने देखा तो बाल्यकाल से ही और भगवान के नाम की रट? बोले हाँ ऐसा ही है। कहने लगे पिता जब तपस्या हेतु गया हिरण्यकश्यप, घोर तपस्या की, पूरे शरीर में दीमक लग गई, ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए, बोले परम ब्रूया पर मांगो, बोले मुझे अजर अमर बना दो बाबा। ब्रह्मा जी ने बोला भैया वो तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कैसे बना दो, कुछ और मांग। फिर तो एक नहीं कई बार मांग ले, न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात्रि में मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न संसार के किसी बनाए हुए प्राणी से मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। ब्रह्मा जी ने बोला भले बस भी कर भाई,
पर क्या करूं ताते में दुर्लभा भूता यान बिने से बरान ममा तदापि वितराम्यंग बरान यदि दुर्लभा। तूने बहुत बुरा वर मांगे है हिरण्यकश्यपु, पर तेरी तपस्या भी बहुत कठिन थी, इसलिए जा मैं तुझे सारे वर देता हूं। जैसे हिरण्यकश्यपु को सारे वर मिले, उठाई अपनी गदा, पूरे संसार में स्वच्छंद विचरण करने लगा। इस संसार में अब मुझे कोई नहीं मार सकता, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, एक गदा का प्रहार किया, सारे देवी देवताओं को बंदर बनाकर अपने महल पे ले आया। वरुण से कहता है चल पानी बार, इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, सबको अपना नौकर बना के रख दिया है। हिरण्यकश्यप ने सारे देवी देवता खिन्न है, बहुत समय जब बीत गया सब देवता और चल दिए मेरे प्रभु के पास और कहने लगे महाराज क्या इसीलिए हमारा जीवन वहां था, देव योनि में होने के बाद एक नौकर का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मावे त्रिविदता श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तवा, आप सबका शीघ्र ही कल्याण होगा, पर कुछ प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। हिरण्यकश्यप के चार पुत्र, सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद, प्र उपसर्ग है, लाद माने प्रसन्नता से जो हंसे उसका नाम प्रहलाद, नाम रख दिया प्रहलाद। कैसा प्रहलाद, बचपन से ही ब्राह्मण शील संपन्न सत्य संदो जितेन्द्रिया आत्मवत् सर्वभूताना एक प्रिय सुरेतम, बचपन से ब्राह्मणों का अनन्य प्रेमी, राजा का पुत्र है लेकिन जितेंद्रिया है, संसार के मायामोह के बंधन में नहीं पड़ना चाहता, केवल भगवान के नाम की रट लगाता है। राजा इसको बचपन से भी भगवान नाम का एक रोग लग गया था, अरे रोग जल्दी से किसी लगता नहीं, पहले कहने लगे महाराज कैसे पता चले कि इसको कृष्ण नाम का रोग लगा था, बोले मैं बताता हूं ना, केवल इसकी एक विशेषता है गृहीतात्मा न वेद जगदीशरम, जब ये कृष्ण नाम का जब रोग लगता है ना, पहले लगता नहीं, यदि लग गया ना तो जीवन सफल हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है, ऐसे रोग प्रहलाद को लगा था। कैसे पता चले, बोले संसार उसको पागल कहता है, चिंता सबल चेतना क्वचित हस देता चिंता लाभ गायते क्वचे, कभी किनारे में बैठ करके भगवान का नाम लेने लेते रोने लग जाता है, कभी एकांत में बैठा है भगवान की याद आती है तो पागलों की तरह भगवान के चित्त में भाव विभोर होकर के हंसने लग जाता है, और कभी मुक्त कंठ होकर के गाने लग जाता है। यह है कृष्ण नाम का रोग, संसार इसको पागल कहता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि ऐसा रोग लगा है, संसार पागल कहता है। प्रहलाद जैसे कुछ बड़ा हुआ, पिता ने सोचा अब ये गुरुकुल के लायक हो गया, क्यों ने इसको गुरुकुल में राक्षस विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। राजी ने सोचा पिता सुंदर पाठ के लिए कहते हैं तो मैं सुंदर पाठ ही बताऊंगा। तसाधु मन्ने सुरवर्यदेहिना सदा समुद्विग्नदया सक्रिया
इत्वाप्रपातं गृहमं विकोपं वनं गतो यद्दरिमा सहिता। पिताश्री, ये जो संसार है ना, संसार का गृहस्थाश्रम है, ये अंधे कुएं के समान है। अंधा कुआं कह दिया गृहस्थाश्रम के लिए। एक अंधा कुआं क्या होता है? जंगल में एक कुआं है, कोई वहां आता जाता नहीं, तो झाड़ियों से ढक गया। एक व्यक्ति एकाएक अचानक गया जंगल में, उस कुएं में जाकर के गिर गया। अब जंगल में जो झाड़ियों से ढका हुआ है, कोई आता जाता है नहीं, वो यदि आवाज लगाएगा तो क्या कोई बचाएगा उसे? कोई नहीं बचा सकता। यही स्थिति इस गृहस्थ आश्रम अंध कुएं गृहस्थ आश्रम की है। यदि कोई बचना भी चाहे ना, दूसरा तब तक पांव खींच लेता है, कहां जाता है, बड़ा बैरागी बनता है। ये तेरे बच्चे नाती पोते कौन पालेगा? इसी में ही अपने जीवन का सुख समझ, कहां इधर उधर भगवान के चक्कर में भटकता है। पिताश्री, ये गृहस्थ आश्रम अंधे कुएं के समान है। मुझे तो सबसे अच्छा यदि कोई एक ही बात लगी, वनम गतो यद्धरिमाश्रयिता। और वृंदावन में जाके जो मेरे प्रभु नाम की चरण की जो आश्रय ले ले, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके पाप ताप और संताप सारे समाप्त हो जाया करते हैं। इससे अच्छा पाठ तो मुझे दूसरा कोई लगा नहीं। जो सुना ये कहता क्या है? ये तो मेरा बैरी का नाम ले रहा है, तो पल्ला जी से तो कुछ नहीं कहा, संडा वर्ग को बुला दिया। बोले मास्टर जी, ये सब क्या कहता है आप? प्रहलाद क्या सुन रहा हूं इसके मुख से? ये पाठ तुमने पढ़ाया? नहीं महाराज, हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा कोई पाठ है ही नहीं। बोले आज तो मैंने सुन लिया, दूसरी बार मैंने आया और मेरे पुत्र के नाम से मेरे बैरी का नाम, मुख से बैरी का नाम सुनाई दिया ना, तो दंड इसे नहीं, दंड आपको मिलेगा संडामर जी। इतना कहा राजा तो चल दिया, हाथ पकड़ा संडामक ने प्रहलाद का। बोले पुत्र इधर तो आ, ये पाठ मैंने तुझे तो पढ़ाया नहीं। भगवान के नाम की रट लगाना, भगवान का नाम सर्वोपरि है, भगवान के आश्रय लेकर के भगवान मनुष्य परम पद को जाता है, ये सब किसने पढ़ाया तुझे? प्रहलाद जी मानो हंसते हंसते कहने हो लगी, इस संसार के ये संसारी लोग मुझे भला ये पाठ कहां से पढ़ा देंगे? स्वयं संसार के बंधनों में बंधे हैं तो भगवान नाम का ये पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं मुझे? नाना प्रकार तर्क उतर करके समझाया मेरे प्रहलाद जी। सारी राक्षस विद्या पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उसको हृदय कम नहीं करते। हृदय करने वाले जो बात, उनके हृदय में तो केवल और केवल मेरे कृष्ण बसते हैं। विद्यालय की छुट्टी पड़ी, चंडामल जी ने प्रहलाद जी को लिया हाथ साथ में और चल दिया घर की ओर। घर में अगर दूर से हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद आ रहा है। प्रहलाद ब्रह्मानंद है, प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। और जैसे प्रहलाद को गोद में लिया, तो ब्रह्मानंद जब आपकी गोद में होता है तो आपके मन के विचार बदल जाते हैं, कुछ क्षण के लिए विकार हट जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। प्रेम करते करते पुचकारते पुचकारते पूछने लगे, पुत्र तेरा आज तो बता, अपने जीवन का सबसे अच्छा तुझे कोई जो पाठ लगा हो मैं तेरे मुख से सुनना चाहता हूँ। प्रहलाद जी ने संडा मर की ओर देखा, देखो आज पिताश्री फिर पूछ रहे कि अच्छा क्या पाठ लगा। इन्हें अच्छा लगे ना लगे मैं नहीं जानता, तो मुझे जो अच्छा पाठ लगा मैं वही कहूंगा। आज एक नहीं दो नहीं, पूरी की पूरी नवदा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताश्री, भगवान के नाम का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के विष्णु का स्मरण करना, उनके प्रति दास्य भाव रखना, उनके प्रति सख्य का भाव रखना, पूरी एक नहीं दो नहीं नवदा भक्ति बता दी। भगवान के प्रति नवदा भक्ति किस प्रकार की जाती है?
अब जो हिरण्यकश्यप ने सुना उस दिन तो केवल भगवान की एक भक्ति बताई, आज इसने मेरे पैरी की नौनों भक्तियां बता दी। यदि और ये कुछ समय और रहा तो मेरे तो गली गली में कोई कंठीधारी, कोई तिलकधारी, कोई मालाधारी, गली गली मेरे शत्रु के पैरी प्रकट हो जाएंगे। संडा मजी दूर से सुन रहे हैं और कांपने लगे, ये सब क्या है संडा मर? महाराज मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, ये सब मैंने नहीं पढ़ाया है। तो न प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते तवेन्द्र सतो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यो कदरास्मान। है ये मैंने नहीं, ये किसी ने नहीं, ये पढ़ा पढ़ाया आया है। हमारे पाठ्यक्रम में ये पाठ है ही नहीं महाराज, और फिर तुम्हारे बैरी का पाठ में इसे पढ़ाऊं, ये क्या संभव है? ऐसा नहीं है प्रभु। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, क्रोध से भर गया, क्या किया जाए, ये तो मेरे बैरी का नाम ले रहा है। सारे सिपाहियों को बुला दिया, कहने लगे तुम्हें पता है ये जो शरीर का जो अंग है ना, यदि कोई एक अंग सड़ या गल जाता है उसको काटना पड़ता है ताकि शरीर बचा रहे। ये जो मेरा पुत्र है, ये शरीर का अंग है, ये गल चुका है, ये दिग्भ्रमित हो चुका है, यानी इशारा दे दिया इसका जीवित रहना अब ठीक नहीं है। सारे सिपाहियों ने पकड़ दिया प्रहलाद जी को, ऐसी यातनाएं दी है प्रहलाद को। दिग्गज दंत सो कैसा अविचारा वपात ने माया भी संग निरोदेश करदा निर्भोज नहीं। बड़े बड़े पर्वतों से गिरा दिया प्रहलाद जी को, हाथियों से कुचलवाया, विषय ने सर्पों से डसा दिया, अग्नि में फेंक दिया जलने के लिए, बड़ी बड़ी यातनाएं थी। लेकिन मेरे प्रहलाद जी नेत्र बंद करके और केवल अपने प्रभु का नाम रखते जा रहे हैं। प्रहलाद के जितने मित्र हैं सबके सब देख रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है, बड़े बड़े पर्वतों से गिरा दिया, ये पछते कैसे हैं, कौन इनके प्राण बचा रहा है? साक्षात होलिका आ गई प्रहलाद को जलाने के लिए, तो स्वयं जल करके राख हो गई। अब तो सबके सब प्रहलाद के नेत्र कुछ आश्चर्यचकित है, प्रसन्न भी है, ये सब दृश्य देख करके, और प्रहलाद मानो नेत्र बंद करके एक ही बात कहते हो, मित्रों मेरे पिता को लगता है कि ये मुझे मार देंगे, मेरी मृत्यु इनके हाथ में है। नहीं, मृत्यु देने वाला तो केवल एक ही है, मारने वाला तो केवल एक ही है, और बचाने वाला भी केवल एक ही है। ये भला मैंने क्या मारेंगे? श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन माता होता उसका
पाल न बांका होता जिसका रक्षक है भगवान। अग्नि में रत्या जलता नहीं है, हाथी से कुछ बात क्या ये मरता नहीं है। गदगद थराए हुए हिरण्यकश्यप को और प्रहलाद जी अपनी गदगद वाणी से कहने लगे, हे पिताश्री क्यों मारना चाहते हो मुझे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। संसार के जीवों को मृत्यु देने वाला और बचाने वाला केवल एक है पिताश्री। अब देखो ना, तुमने मुझे जलती चिता के बीच में रखा है और मुझे देखो, जरा समीप में तो आओ। कृष्ण नाम जपता उतो भयम्, राम नाम जपता उतो भयम्। जो दिन चिरंतर जो है कृष्ण का नाम जपेगा, जो मेरे राम का नाम जपेगा, जो मेरे शिव का नाम जपेगा, तो भला वो चिंता क्यों करे? सर्वताप समनी कभे जजम, सभी तापों की एक ही दवा है पिताश्री। जितने भी संसार के ताप हैं, उनकी दवा तो केवल एक ही है, पश्चाताप ममगा प्रसन्निदो। हे पिताश्री मेरे समीप में आओ, तुमने जलती जलती आग में मुझे रखा था ना, और मेरा शरीर, मैंने प्रभु का नाम लिया, मेरा शरीर एकदम शीतल जल की तरह हो रहा है, मैं जला नहीं, अग्नि मुझे जला नहीं सकी, इसीलिए तो कहता हूँ पावको दुना। जल की तरह ठंडा मेरा शरीर है, अभी भी यदि आपको बात समझ में आ नहीं रही है, इससे बड़ी मूर्खता और कोई दूसरी हो नहीं सकती पिताश्री। फिर सब क्रोध में भरा, जैसे मारने को उद्यत हुआ छंडा मर्द जी ने रोक दिया, बोले महाराज एक अवसर मुझे और दो से समझाने का,
इतना कहा हिरण्यकश्यप चल दिया। संडाग ने बोला, मुझे भैया क्यों मेरी नौकरी को खतरे में डालना चाहता है, ये बताइए सब तुझे पढ़ाई किसने? बोला, मैंने बार बार कहा गुरुजी तुम मुझे क्या पढ़ाओगे संसार का, ये जीव मुझे भला क्या पढ़ाएगा मेरे कृष्ण के विषय में, मेरे तो रोम रोम में कृष्ण बसते हैं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये संसार के लोग मुझे नहीं पढ़ा सकते। इतना कहा संडाग को, कहीं काम से जाना था, वो जल्दी सारे विद्यार्थियों को, आज प्रहलाद जी को एकांत में अवसर मिला और सारे विद्यार्थियों को एकत्रित किया और समझाने लगे, कहने लगे, देखो मेरे पिता ने मुझे कितनी प्रताड़नाएं दी है तुम देख चुके हो, इसलिए जो भी समय मिलता है प्रभु नाम का संकीर्तन करो। तुम्हें लगता है कि जब ये वृद्धावस्था आएगी और तब तुम भगवान का स्मरण करोगे, ये यदि सोचोगे तो कभी भगवान का नाम ले नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि तुम कब मरोगे और कब तक तुम जीवित रहोगे, जब ये तुम्हें पता ही नहीं तो उस समय की प्रतीक्षा क्यों करते हो। समय आती ही और भगवान का लेना नाम लेना प्रारंभ करोगे ना, अपने जीवन में उतारोगे ना, जीवन सफल हो जाएगा। प्रहलाद के मित्र कहने लगे, नाम तो हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन जब तेरे पिता का मुख देखते हैं ना, हम क्रोध से घबरा जाते हैं, हमें भय लगता है। बोले, मुझे भय लगा? तू तो उनका पुत्र है। बोले, पुत्र है फिर अग्नि में रख दिया, हो सकता है भगवान इसलिए कृपा करते हो तू राजा का पुत्र है। बोले, नहीं मेरे प्रभु, पक्षपाती नहीं है, मैं राजा का पुत्र हूँ इसलिए बचाया, ऐसा नहीं है। वो कोई जाति नहीं देखते, वो तो मनुष्य का, वो भक्त का भाव देखते हैं। बहुत समझाया, बड़े उपदेश दिए, सारे भक्त ने कहा, बोले प्रहलाद एक बात तो बता, ये सब तुझे सिखाया किसने? तेरे तो हम दोनों एक साथ विद्यालय में जाते हैं, कक्षा में भी एक साथ बैठते हैं, जो गुरु तुझे पढ़ाते हैं वही हमें भी पढ़ाते हैं, ये पाठ तेरे को कहां से आया? प्रहलाद जी कहने लगे, मित्रों अब जब तुमने पूछ ही लिया तो मैं बताता हूँ। एक समय मेरे पिता तपस्या करने जाते थे, मेरी माँ क्या तो गर्भवती थी, इंद्र ने अपहरण कर लिया मेरी माता का, मेरी माँ रोती बिलकती थी। इतने में नारद जी आ गए, नारद जी ने इंद्र को दुत्कारा, मेरी माँ को इंद्र के बंधन से मुक्त किया और कहा, देवी नारद जी को सब पता है, इसके पिता इसके पति जो तपस्या में जा रहे हैं कृष्ण को मारने के हेतु तपस्या कर रहे हैं, सब पता है, फिर भी कहा कि जब तक तेरे पति तपस्या करके घर नहीं लौटते तुम मेरे आश्रम में रहो, और जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारा गर्भ नहीं होगा। हम आश्रम में रहते थे, नारद जी उपदेश देते थे मेरे कृष्ण का, और मैं गर्भ में ही ये सब उपदेश सुनता था। मैंने तो गर्भ में ही और कृष्ण को अपना गुरु मान लिया था, अपना इष्ट मान लिया था। बच्चे कैसा के सब कहने लगे, मित्र अब बात समझ में आई कि बिना पढ़ाए तुझे ये पाठ किसने पढ़ाया? जिसके हृदय में साक्षात नारायण का वास हो भला उसको पढ़ाने वाला कौन? बोले हम भी नारायण का नाम ले, कुछ होगा तो नहीं? बोले नहीं मैं हूं ना साथ में। इतना कहा, बोले जब प्रभु का नाम लिया जाता है ना तो इधर उधर की बात सोचना नहीं, निमग्न होकर के केवल केवल प्रभु का नाम आपको लेना है। सारे मित्र तैयार हो गए नाम लेने के लिए। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण प्रभा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीपा के श्री माँ के बिहारे देवा के नो है। सत्कार है कितने में संडा मर्ग जी आ गए, संडा मर्ग ने कहा
का पहले केवल एक नंबर धाम के मिंदे मेरो आए गोपाल मेरो दे और कसी भी रट लगाए बैठे हैं तोड़ा तोड़ा क्या हिरण्य कसी बोले महाराज गद्दी से उतर जाओ तुम्हारी गद्दी खतरे में है बोले क्या हुआ बोले केवल एक आपका पुत्र नाम लेता था आज तो विद्यालय में जितने बालक है और सबके सब का नाम ले रहे हैं को तलवार खींच ली अपने प्यार से आगे दौड़ा दौड़ा बिचारे की ओर हिरण्य जो क्रोध में कांप रहा है दो द्वार पर बिचारे के पहुंचा सबके सब व्यापी और सब नाथ मनमग्न होकर के और केवल और केवल मेरे कृष्ण का नाम रटे जा रहे हैं राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा तू मानने वाला है नहीं एक बात तुझसे पूछता हूं रे मैं संसार में निर्भय होकर के घूमता हूं विचरण करता हूं क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी के बल प्राप्त है पर तू ऐसा निर्भय होकर के घूमता है ऐसी शक्ति देने वाला तुझे कौन है किसकी शक्ति तुझे ऐसे मिलती है जो तू संसार मुझसे भय खाता है लेकिन तू मुझसे नहीं डरता प्रहलाद जी कहने लगे हे पिताश्री न केवलं मे भवतश्च राजन् सवैबलं बलिनां चापरेषां परिवरेमि स्थिरजङ्गमाय ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीत पिताश्री मुझे शक्ति प्रदाता मेरे नारायण है और मुझे ही क्या संसार के जितने भी जीव हैं सबको शक्ति प्रदान करने वाले केवल और केवल मेरे नारायण हैं और जिस ब्रह्मा के बरों की तुम बात करते हो ना पिताश्री उस ब्रह्मा को भी शक्ति प्रदान करने वाले मेरे नारायण हैं और दूसरा कोई और नहीं इतना कहा अच्छा पर कहने लगे तू कहता है कि तेरे भगवान कणकण में है बोले हाँ मां प्रहलाद जी कहने लगे पिताश्री तुम क्रोध में भरे तलवार तुम्हारे हाथ में पर मुझे लगता नहीं कि तुम मुझे मार पाओ क्यों क्योंकि पहले अपने हृदय के अंदर जो अहमता ममता के जो शत्रु बैठे हैं पहले उन्हें तो मारो उनको तुम अभी तक मार नहीं पाए सो मुझे क्या मारोगे कब पहचानोगे पिताश्री मेरे नारायण को और यही बात लक्ष्मण जी भी परशुराम जी से कह रहे हैं जब धनुष तोड़ा मेरे नाम ने परशुराम जी परसा लेकर आगे खड़े हैं जैसे परसा आगे बढ़ाते हैं मारने के लिए हाथ रुक जाता है परशुराम जी का मेरे लक्ष्मण कहते हैं हे परशुराम जी तुम्हारे परसे ने तो राम को पहचान लिया तुम कब पहचानोगे ये पहचानने की जो तुम भूल करते हो ना इस शीघ्रता यदि हुई नहीं बाद में पहचानोगे तो कोई फायदा क्या कहने लगे मैं मान जाऊंगा कि ये राम है मैं अपना धनुष देता हूं यदि इन्होंने इस पर चांप चढ़ा दी तो चांप चढ़ाते ही मैं समझ जाऊंगा मेरे मन का जितना संशय वो दूर हो जाएगा देत चाप या पहि चल गया परशुराम मन विस्मय भय देत चाप जैसे धनुष देने लगे राम जी के हाथ में दिया था भी नहीं धनुष अपने आप छूट के मेरे राम जी के हाथ में चला गया जितने प्रकार का संदेह था परशुराम जी के हृदय में सारा संदेह समाप्त हो गया पहचान के चरणों में पड़ गए हे सूर्यवंशी के राम तुम्हारे चरणों में बंदर है हे मेरे पिताश्री कब पहचानोगे मेरे नारायण की शक्ति को तू कहता है कि रोम रोम में तेरा प्रभु है बोले हाँ तो क्या इस खंभे में भी तेरे प्रभु का वास है बोले हाँ प्रभु इस खंभे में भी ही मेरे प्रभु का वास है एक गदा प्रहार की जो निर्णय कश्यप ने उसे खंभे पर और खंभे से साक्षात मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए बोलो नरसिंह भगवान की वैशाख शुक्ल चतुर्दशी
ठीक दोपहर के 12 बजे मेरे प्रभु का नृसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। है कैसे न पौरुषम न मानुषम, ये कैसा स्वरूप बनाया है, मुख सिंह का है, शरीर मनुष्य का है, ये सब मेरे प्रभु की लीला क्या है। हिरण्यकश्यप ने सो देखा सो देखते रह गया, सारे देवताओं पर से पुष्प बरसाने लगे, बोले प्रभु शीघ्र ही इसका पतन कर दो, इसको मृत्यु दंड दो, क्योंकि सायंकालीन यदि हुई इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के साथ आज ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षी राजगरुड़ छोटे छोटे पक्षियों के साथ खेलते हैं। ज्यादा समय लिया नहीं और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रख लिया। कैसा स्वरूप बनाया है आज मेरे प्रभु ने। घबराता हुआ हिरण्यकश्यप के हाथ से तलवार छूट गई, पर फिर भी कहता है तुम मुझे भला क्या मारोगे, क्यों मैं क्यों नहीं मार सकता। बोले मैं ना सुबह मरूं, ना सात दिन में मरूं, ना सायंकाल मरूं, ना रात्रि को मरूं। बोले हे मूर्ख, प्राकट्य तो मेरा ठीक दोपहर 12 बजे हो गया था, इसी के लिए मैं प्रतीक्षा करता था, ना दिन है और ना रात है, ये तो सायंकालीन का समय है। बोले मेरे पास कई वर है। बोले क्या क्या वर है तेरे पास। बोले न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं। बोले जरा देख तो सही, बीच दहली में बैठा हूं, न भीतर हूं और न बाहर हूं। बोले मैंने 12 किसी महीनों में मैं मरने वाला हूं, नहीं मुझे वर मिला है। बोले ये 12 महीने नहीं है, ये 13वां महीना अधिक मास चल रहा है, ये तेरे लिए ही तो बनाया है। बोले मैं संसार के किसी प्राणी से भी मरने वाला नहीं हूं। बोले कौन से प्राणी की बात करता है, अरे जिसने तुझे बर दिए है ना उसको भी मैंने बनाया है, मैं इस संसार के प्राणियों के बना हुआ जीव नहीं हूं। बोले मेरे पास बहुत सारे पर हैं, मैं किसी अस्त्र संसार के किसी भी अस्त्र शस्त्र से मैं मरने वाला नहीं हूं। बोले तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता क्या है, ये मेरे बड़े बड़े जो नाखून देख रहा है तू, बस तेरे लिए यही काफी है। इतना कहा और अपने नखों से और नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उदर का वेदन किया और उसकी आते निकाल करके अपने गले में डाल करके माला रूपी बना धारण कर दिया मेरे प्रभु ने। हिरण्यकश्यप आज मृत्यु को प्राप्त हुआ, रक्त रंजित मेरे प्रभु के हाथ है, सिंह का मुख है, क्रोध में भरे हैं आज मेरे प्रभु। सारे देवी देवता देवता एक एक करके आ रहे हैं, समीप जाने की हिम्मत नहीं हो रही, दुस्साहस नहीं कर पा रहे हैं, कैसा स्वरूप बनाया है। भगवान भोलेनाथ आए नंदी बाबा, और नंदी तो वैसे ही शेर से डरते हैं, भोलेनाथ को छोड़ करके भाग गया। ब्रह्मा जी आए हंस पर, हंस भी फड़फड़ाता हुआ भाग गया। यक्ष गंधर्व जितने आ रहे हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध आज शांत नहीं होता। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, न तो विनंताय दुरंत सतये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वास सर्ग स्थिति संयमान गुणे स्वलील आसम ददते व्यात्मने। हे प्रभु आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आप त्रिकला बाधित है, आप गुणातीत है प्रभु, आपने इसको निर्मम हत्या दे करके मृत्यु दे करके आज मैं सब देवताओं पूरे संसार के प्राणियों को वैसे मुक्त कर दिया है प्रभु। आप स्वयं निर्विकार रहते हैं, निर्गुण निराकार है, और भक्त की प्रतिज्ञा तपस्या को पूर्ण करने के लिए आप सगुण साकार के रूप पर आए हैं प्रभु। भगवान भोलेनाथ कहने लगे आपका क्रोध तो एक कल्प की भांति होता है, आपको क्रोध आता है एक कल्प बीत जाता है,
आपके संकल माचे सृष्टि की रचना होती है, संकल माचे सृष्टि का लय हो जाया करता है। बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान आज प्रसन्न नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं होते। देवताओं ने सोचा क्या होगा, भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। सोचा कितना भी क्रोधी पति क्यों न हो, लेकिन पत्नी ऐसी होती है कि अपने पति को मना ही लेती है। चल दिए देवता सब लक्ष्मी मैया के पास, मैया जरा अपने पति का स्वरूप को देख करके आओ, उनका क्रोध शांत नहीं होता। लक्ष्मी ने स्वर्ण जटित थाली जटाई और आरती की थाली लेके जैसे पहुंची है सामने मेरे नृसिंह भगवान के, एक हुंकार मारी मेरे भगवान ने, कहां जाके पूजा की थाली गिरी। लक्ष्मी जी ने जो देखा मेरे प्रभु का ऐसा स्वरूप, इतने क्रोधी, अब तो सबके सब देवता घबरा गए। जब साक्षात भगवती लक्ष्मी ही उनके क्रोध को शांत नहीं कर सकी तो होगा क्या। देवताओं की दृष्टि पड़ी प्रहलाद जी पर, प्रहलाद जी के पास चले सब। हे प्रहलाद, तेरे लिए ही भगवान ने प्राकृति लिया है ना, जन्म लिया है ना, तेरे ही कारण लिया है, अब तू ही कुछ उपाय कर। प्रहलाद जी को तो आदेश मिलने की देर थी, चल दिए मेरे प्रहलाद भगवान के पास। और जैसे भगवान के पास गए, जैसे चरण छुए प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान के, ब्रह्मानंद मनो प्राप्त हो चुका है पूर्ण रूप से प्रहलाद जी के हृदय में। भगवान ने जैसे देखा प्रहलाद को अपने चरणों पर झुके, दोनों भुजाएं आगे बढ़ाई और प्रहलाद को उठा के अपनी गोद में रख दिया। सहलाने लगे प्रहलाद के सर को अपने हाथों से, जीभ से चाटने लगे जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही नृसिंह भगवान प्रहलाद को प्रेम करने लगे, प्रहलाद के सुकुमार अंगों को सहलाने लगे। हे प्रहलाद, इस सुकुमार तुम्हारे अंग और उस दूध ने इतनी प्रताड़नाएं तुम्हें दी है। प्रहलाद, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे किसी भक्त ने जीवन पर्यंत मेरे नाम को रटा हो और मुझे आने में इतनी देर हो रही हो, ऐसा पहली बार हुआ है। प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो, जो भगवान कहते हैं मुझे क्षमा कर दो। सारे देवता कहने लगे, आज तक भक्त को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत देखा, पर भगवान को भक्त से क्षमा मांगते आज पहली बार। जितने देवी देवता आए, घबरा के सब चले गए। तुझे मुझे देख करके डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने बोले, बोले प्रभु एक बात पूछो। बोले हाँ पूछना। बोले जंगल में जो शेर होता है ना, शेर के बच्चे शेर के ऊपर, कभी उसके सर के ऊपर, उसके छाती पे, और खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। सिंह जब दहाड़ मारता तो जंगल के जितने भी जीव है सब डर के मारे भाग जाया करते हैं। प्रभु, कभी सिंह के बच्चों को भागते हुए देखा है? नहीं। तो मैं भी तो आपका बच्चा हुआ ना, मैं भी आपका पुत्र हूं, भला मैं आपसे क्यों डरूं? भगवान गदगद हो गए। हे प्रहलाद, तेरा भक्ति का अभाव देखा, मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसे भी मेरे भक्त इतने कम आयु में, और तूने मुझे इतना साधा है कि मैं मजबूर हो गया तुझे बर देने के लिए। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे भगवान की। ब्रह्मा दया सुरगण मुनयो दुसेदा सत्य कृतान मतयो वचसाम प्रवाही नाराधि तुम गुरुणय अधुना पिप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरो व्रजाति। प्रभु, जब मैं आपके समीप आया था ना, मेरे मन में एक संशय था। साक्षात भगवान भोलेनाथ आए, आपकी तपस्या की, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा आए, स्तुति की, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। बड़े बड़े यक्ष देवते आए, आपकी स्तुति की। साक्षात रमा मैया आई, आपका क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। मैंने सोचा जब बड़े बड़े देवी देवता यहाँ आकर के स्तुति करके चले गए हैं और मैं
दैत्य का पुत्र हूँ और दैत्य का पुत्र होके भला मैं आपको कैसे प्रसन्न से तुझा प्रभु। पर फिर मैंने एक बात सोची, आपका हृदय बहुत विशाल है प्रभु। एक बात ध्यान में आई मेरे, जब हाथी आप कोई जात नहीं देखते, आप किसी प्रकार का ज्ञान नहीं देखते, मेरे मन में एक बात ध्यान आई, मन में दना भी जन रूप तपा श्रुत हो जा तेज प्रभाव बल पोष बुद्धि होगा नाराद नाई भवन पर पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान नजयूत पाया। रूप गुण विद्या वाणी किसी भी प्रकार का आपके मन को कोई मोह नहीं सकता, तो फिर केवल केवल भक्त अपने भाव से ही आपको अपने बस में कर सकता है प्रभु। यही बात मैंने भी ध्यान में रखी, मैंने भी सोचा गजराज की कौन सी जाति थी, कौन सा उसको अत्यंत ज्ञान प्राप्त था, और सही हृदय एक कमल का पुष्प तोड़ा और तुम्हारे चरणों में चढ़ाया और तुमने उसे जीवन मुक्त कर दिया। ये भाव भी मेरे मन में था और मैं आपके समीप में आया प्रभु, ये सोचा आपका ही तो पुत्र हो। भगवान का व्रत हो गए, कहने लगे हे प्रहलाद तेरे जैसा भक्त मैंने कोई दूसरा देखा नहीं, मांग कुछ बर मांगना चाहता है मुझसे कोई बर मांग। बोले प्रभु ये आप कैसी बात करते हैं, मैंने कोई बर मांगने के लिए आपको तपस्या स्तुति नहीं की है, जन्म से ही एक ही बात ध्यान में रखी है कि इस संसार में मेरे कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे को मैं जानता ही नहीं हूँ, और यदि बर मांगने यदि आप आए हैं सामने और फिर मैं बर मांगू और तपस्या के बदले बर मांगू, मैं बढ़िया नहीं हूँ, मैं बड़े नहीं है प्रभु। वो फिर तपस्वी नहीं, वो तो फिर बढ़िया हो गया ना। बढ़िया को क्या करते हैं हम, पैसे देते हैं और सामान लेते हैं। मैंने तपस्या की आपने भर दिया, मैं तो बढ़िया हो गया ना प्रभु। मैं बढ़िया नहीं बनना चाहता महाराज, पर बार बार भगवान ने कहा मैं कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ प्रहलाद। प्रहलाद जी ने बार बार सोचा प्रत्येक वस्तु को यदि मैं नाकार करूं ये भी एक प्रकार का अभिमान है। तो प्रहलाद जी ने कहा बोले प्रभु ये पर के रूप में मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ, मांग प्रहलाद तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं यस्य राशिद मे कामल परास्तम परिधर सवा कामना वृद्ध समरोह भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु आप मुझे ऐसा कर दो कि मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की चाह ही पैदा न हो। क्या भर मांगा, भगवान गदगद होकर के कहने लगे वाह रे प्रहलाद तेरा जैसा भक्त। प्रहलाद ने बोला बोले प्रभु एक बार और मांगना चाहता हूँ, मेरे पिता जो अधोगति को अभी अभी मरे हैं ना उनको सदगति प्राप्त हो, उनको मोक्ष प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूँ। भगवान हंसते हंसते कहने लगे प्रहलाद तेरे पिता ने जो प्राण त्यागे हैं, मेरी गोद में लेट करके प्राण त्यागे हैं, वैसे ही उनको सदगति मिल गई, पर फिर भी तेरे जैसा पुत्र जिसके जिस सदी में पैदा होता है ना उसके कुल के एक नहीं ये किस पीढ़ी तर जाया करती है, जा अपने पिता का दाह संस्कार कर। इतना कहा प्रहलाद जी चल दिए, दाह संस्कार किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं आपके मन में एक बात संशय आती थी बार बार, ये किस समय की बात होगी, वास्तविकता क्या रही होगी। खंबे से भगवान प्रकट हो गए, इतनी सुंदर चार पंक्तियों बातों के, आज भी भगवान हमारे मध्य प्रकट हो सकते हैं, पर भाव पर लाद वाला लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे, मन का संदेह संशय सारा मिट जाएगा,
किशोर बने कपिरे कल मागत पै पद सोर सो स्वाद कहाँ पै पद सोर सो स्वाद कहाँ। पद पदावली तो बहुतों ने लिखी है, बहुत संतों ने लिखी है, पर मेरे सूर की पदावली में जो मिठास है ना वो दूसरे किसी संत के पदावली में नहीं है। फुन ताल मदीरा बजाती फिरे मीरा जैसी मतवारी कहाँ मीरा जैसी मतवारी कहाँ। ताल मदीरा बजाते हुए अपने आज भी कईयों को सुना होगा जो मतवारी दार मेरे मीरा ने बजाई वो दूसरी मीरा तो पैदा हो ही नहीं सकती। इतना सुंदर वाक्य सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। मेरे राम जी की कथाएं बहुत संतों ने लिखी, एक रात महाराज ने कही है ऐसे जिन्होंने तो राम जी की कथाएं लिखी है अपनी भाव शैली में जो पवित्रता मेरे तुलसी की रामायण में है वो दूसरी रामायण में आपको देखने को मिलेगी नहीं। और अंतिम पंक्ति में तो माना सारा भाव लेट के रख दिया हो, कहने लगे संशय मत करना हे संसार के जीव, संशय मत करना कि भगवान हमारे मध्य नहीं है। नृसिंह बसे प्रतिखम मन में पर कारण को प्रलाद कहाँ कारण को प्रलाद कहाँ। नृसिंह आज भी प्रत्येक खंभे में वास करते हैं पर उस नृसिंह भगवान को प्रकट करने के लिए प्रहलाद कहाँ से लाओगे। यदि आज तुम्हारे बीच में प्रहलाद हो तो नृसिंह भगवान आज भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान सूक्ष्म रूप में हमेशा प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित प्रहलाद जी का यह दृष्टांत पूरे संसार के एक ज्ञान प्रद के रूप में मैंने तुम्हें सुनाया। यहीं पर अष्टम स्कंध में हम प्रवेश करते हैं। गज एक ऐसा हाथी है, दस दस हजार हाथियों का बल है, जंगल के सिंह भी उसे भय खाते हैं। त्रिकुट नाम के पर्वत पर रहता है। एक दिन ग्रीष्मकाल का समय जल पीने हेतु एक तालाब में पहुंचता है। ताला में अपनी हथिनियों के साथ पहुंचा, जैसे जल पिया उसके बाद जल खेड़ा करने लगा हथिनियों के साथ। तालाब का जल जैसे ही मिला हुआ उसी जल में बैठा है एक ग्राह। उस ग्राह ने हाथी का चरण पकड़ लिया। हाथी सोचता है मुझसे ज्यादा बलशाली कोई दूसरा है ही नहीं, तो अपनी शक्ति से अपना पांव छुड़ाने लगा, लेकिन पांव छूटता नहीं। जितनी हथिनियां सबसे कहने लगा मेरी सहायता करो। हाथियों ने पहले खूब जोर लगाया लेकिन वो ग्राह हाथी का पैर छोड़ता नहीं। हाथी समझ गया ये कोई साधारण जीव नहीं है। हथिनियों ने थोड़ा जोर लगाया, उसके बाद एक एक करके सबके सब जाने लगे। संसार का नियम है जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास बल है, तब तक सब आपके साथ। मां उसका पुत्र कितने बड़े क्यों ना हो जाए, मां को अपने पुत्र की बड़ी चिंता रहती है। अदिति जो देवताओं की माता है ऋषि कश्यप के पास जाती है, स्वामी तुम्हें अपने पुत्रों के विषय में कुछ सोचना नहीं है। बड़े क्या सोचे देवी, इतने वर्षों से गुफाओं में भटक के जा रहे उन दैत्यों ने उन पर आक्रमण करके रखा है। दैत्यों का राज स्वर्ग पर है और मेरे जितने भी पुत्र हैं सबके सब गुफाओं में पड़े पड़े हैं, आपको दया नहीं आती महाराज। ऋषि कश्यप कहने लगे देवी एक उपाय बताता हूँ, पुत्रों का यदि कल्याण चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय है महाराज? बोले देवी आपको एक व्रत रखना है। फाल्गुन श्यामले पक्षे
द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वित। आपको एक पयोव्रत रखना है, केवल 12 दिन तक आपने दुग्ध का पान करना है। यदि आपका ये व्रत पूरा हो गया तो शीघ्र ही तुम्हारे पुत्रों का कष्ट का निवारण हो जाएगा। अदिति मैया ने जो स्वामी ने कहा, पयोव्रत रखा, 12 दिन तक दूध पिया और बड़ा सुंदर व्रत रखे। अब के जो अदिति मैया गर्भवती हुई है ना, सुंदर भादो का महीना, शुक्ल पक्ष आया, कश्यप जी के कहे हुए पयोव्रत का आशीर्वाद मिला। आज अदिति के घर में साक्षात वामन भगवान प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। द्वादशी तिथि ठीक दोपहर के 12 बजे, इसको कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। अरे ये जो द्वादशी तिथि है जिसमें वामन भगवान का प्राकट्य आए ना, इसको विजय द्वादशी भी कहते हैं। जो बावन भगवान का प्राकट्य हुआ, बावन उंगल के मेरे प्रभु है, इतना सुंदर स्वरूप जो देखे सो देखता रह जाए। ब्राह्मण ने सोचा हमारा कुल पवित्र हो गया, हमारे आश्रम में साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ है। मैया ने जो देखा बावन को लघोट पहना दी, जो पवित्र संस्कार होने लगा, ब्रह्मा बाबा ने कमंडल दे दिया, आकाश ने छत्र दिया है, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी है और जो दान का पात्र दिया उस दान के पात्र में साक्षात पार्वती मैया ने उसमें भिक्षा दी है वामन भगवान को। उस भिक्षा में जितना कुछ मिला वामन भगवान जैसे गुरु बृहस्पति जी, क्योंकि देवताओं के कुल पुरोहित है बृहस्पति जी, तो जैसे जो भिक्षा सारी की सारी जो दी गुरु बृहस्पति जी को, मानो मन ही मन में बृहस्पति गुरु कहते हो प्रभु भिक्षा में मुझे अन्न नहीं, मुझे तो त्रिलोकी का राज्य चाहिए, मेरे वामन भगवान अंतर्यामी है। जैसे भिक्षा थी गुरु बृहस्पति जी को और चल दिए अपनी एक और नई लीला करने के लिए। वाह, आज बलि राजा बनकर के बैठा है, बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। दोनों तरफ ब्राह्मण बैठे हैं, यज्ञ हो रहा है। मेरे बावन भगवान जैसे ही यज्ञशाला में मेरे प्रभु ने प्रवेश किया, जो बलि की दृष्टि पड़ी, उठने लगे। ब्राह्मणों ने रोका, बोले महाराज बीच यज्ञ में यूं ही यज्ञ छोड़कर को उठ करके अशुभ संकेत है, पर बलि कहां माने, क्योंकि मेरे भगवान का चरित्र ही ऐसा है, वो तो चित्त को चोर रहते हैं ना, नहीं माने बलि। और ब्राह्मण के साथ चल दिए मेरे प्रभु के दर्शन करने। जो ब्राह्मण देव को देखा, जो गदगद हो गए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवाम ते ब्राह्मण सीणां तपसाचान मन्ये त्वार्य बपुर्धरम्। हे ब्राह्मण तुम्हारा स्वागत है। ब्राह्मण रूप धारण करके आप रूप मोहक अत्यंत मोहनीय है, यदि आप कुछ तब आज आप हमारे आश्रम में आए हैं, हमारा कुल पवित्र हो गया। अद्यना पितरा तृप्ता अद्यना पावितम कुलम अद्या सृष्ट कतुरयम यद भवान आगतो गृह। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, जितने मेरे पितर हैं यहां सब तर चुके हैं, आपके चरण जो पड़े हैं। हे ब्राह्मण देव, कुछ मांगने की इच्छा से यदि आप आए हैं तो मांगो, मैं आपको अपने खजाने के सामने रख लेता हूं, जितने धन संपदा आपको चाहिए आप ले सकते हो। आपको यदि गायें चाहिए, जितनी गाय आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। यदि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है ना प्रभु, हे ब्राह्मण, तो मैं तुम्हारे योग्य कन्या ढूंढ करके तुम्हारा विवाह भी संपन्न करा देता हूं। कहो हे ब्राह्मण देव, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने जब देखा राजा बलि दानी तो है,
तो भगवान भी अब कहने लगे, मैंने तुम्हारे पूर्वजों के विषय में बहुत सुना है बलि, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य भयंकर विशाल बलशाली तुम्हारे पिता के विषय में भी मैंने सुना है, जिन्होंने दान में और अभी जीत दिया, दान सब कर दिया, आयुष्य भर जो दे दे किसी को, अब तुमने भी किसी प्रकार की कमी छोड़ी नहीं राजा बलि, पर यदि तुम बहुत बड़े दानी हो ना तो मैं भी सरल ब्राह्मण हूं, मुझे दान में कोई स्वर्ण आभूषण चाहिए नहीं, तुम्हारे पिता विरोचन का अंश तुम्हारे में आया इसलिए तुम दानी बनकर के बैठे हो, तो मैं भी बहुत सरल ब्राह्मण हूं, यदि कुछ देना ही चाहते हो, पराने त्रीण दैत्येन्द्र पधा तो मेरे चरणों से तीन पग भूमि मुझे दान कर दो, जो इतना कहा तीन पग भूमि, राजा बलि हंसने लगा, अहो ब्राह्मण दाया वाचस्ते वृद्ध सम्मता तुम बालो बालिस्मति स्वार्थ प्रत्यगुरु यथा, हे ब्राह्मण जब तुमने मेरे पितरों के विषय में कहा, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तो मुझे लगा कोई वृद्ध ब्राह्मण है, लेकिन अब जब मांगने की बारी आई तो ऐसा लगता है जैसे कोई बालक छोटी सी वस्तु मांग ले, तुम्हारा बालक बन गया नहीं, जैसा तुम्हारा स्वरूप है ना, जैसा तुम्हारा आकार है, वैसी ही तुम्हारी सोच भी छोटी है, कहने लगे राजा बस तुमने मांगने के लिए कहा था ना, और मुझे जितना चाहिए, क्यों ब्राह्मण को जितना आवश्यकता उतना ही उसको मांगना चाहिए, अधिक यदि मांगे तो वो दरिद्र हो जाया करता है, इसलिए मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, तीन पग भूमि मुझे दान में दे दे, इतना कहा राजा बलि ने कहा तीन पग भूमि जहां तुम्हें अच्छी लगती है अपने चरणों से नाप लीजिए, बोले बिना संकल्प के मैं भूमि नहीं ले सकता राजा, बोले तीन पग भूमि के लिए क्या संपल संकल्प पढ़ो, बोले संकल्प तो पढ़ना पड़ेगा, संकल्प तो लेना पड़ेगा, ये सब बातें शुक्राचार्य जी सुन रहे हैं, शुक्राचार्य जी ने जब देखा कि संकल्प नेत्र बंद करे, जैसे शुक्राचार्य जी ने, ये कोई साधारण ब्राह्मण मुझे दिखाई नहीं देता, नेत्र बंद किए शुक्राचार्य जी कोई साधारण कवि नहीं है, तो नेत्र बंद करे साक्षात नारायण मेरे वामन भगवान के अंदर दिखाई दिए, हाथ पकड़ दिया राजा बलि का, राजा जिसे तू साधारण ब्राह्मण समझ रहा है ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो एक पग भूमि में तेरी पूरी त्रिलोकी को नाप देगा, ये सुबह रोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्य पाद देते जातो देवानाम कार्य साधक, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कश्यप अतिथि जी का पुत्र बनकर के आया है, ब्राह्मण देवताओं के हितार्थ यहाँ उनके कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आया है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है, एक पग भूमि में तेरी सारी त्रिलोकी नाप लेगा, एक पग चरण से, अब देखो क्योंकि बलि सामने ब्राह्मण भगवान है, साक्षात मेरे नारायण खड़े हैं, बलि के विचार, बलि कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे ब्राह्मण भगवान सामने आए थे बलि के अंदर धर्मात्मा का भाव जाग चुका था, अपना भाव नहीं बदला, अपना मंतव्य नहीं बदला, कहने लगे गुरुदेव आपसे एक बात पूछूं, क्या संकल्प पढ़ना ही संकल्प है, और जो मैंने मुझसे कह दिया तो तीन पग भूमि नाप लो इसका कोई मोल नहीं, और यदि मैंने तीन पग भूमि कि साधारण से ब्राह्मण ने तीन पग भूमि नापी और मैंने दी नहीं तो मेरे जो पूर्वजों की कीर्ति पताकाएं जो लहरा रही है सब धूमिल हो जाएंगी, छोटी सी वस्तु एक ब्राह्मण ने मांगी और तू दे न सका राजा, तो कैसा दानी है, शुक्राचार्य जी कहने लगे हे राजा मेरी बात मान, मैं गुरु हूं, कहीं कहीं किसी किसी समय पर भी यदि असत्य बोला जाए जो हितार्थ हो तो उसको असत्य नहीं माना जाता, तब वो वस्तुएं बताई स्त्री सु नर्म विवाहे सु वृत्यर्थे प्राण संकटे
वो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानिर्दम चाजुभूषितम्। स्त्री सूर, स्त्रियों के साथ भी पूरी बात नहीं बतानी चाहिए, गलत अर्थ मत निकालना। लेकिन संपूर्ण बात यदि आप चाहो कि मैं स्त्री के पास सारी बातें उबेल के रख दूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखने में ही स्त्री की भी भलाई है और पुरुष की भी भलाई है। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और आपको असत्य बोलना पड़े, किसी ब्राह्मण पे कोई अत्यारोप हो रहा हो, उसकी हत्या होने जा रही हो, किसी गाय को कोई प्रताड़ित कर रहा हो, ऐसे स्थान पर यदि असत्य बोला जाए, ना नृतम सात जुगुप्सितम, उसको असत्य नहीं माना जाता, राजा मेरी बात मान ले। पर बलि कहां मानने वाला, क्योंकि कहने मैंने कल की कथा में कहा था ना कि भगवान और भक्त के बीच में जो तीसरा आए शत्रु बन करके उसका त्याग कर देना चाहिए। आज राजा बलि के और भगवान के बीच में शुक्राचार्य गुरु आए, सो गुरु का त्याग करने लगे। कहने लगे गुरुदेव, अब आपसे एक निवेदन है, आपने कहा साक्षात नारायण है, कुछ समय के लिए मैं मान लूं, यदि ये साधारण ब्राह्मण हुआ तो तीन पग भूमि नाप करके चला जाएगा, और यदि ये वास्तविक नारायण है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली आज दूसरा कौन होगा कि नारायण का हाथ मेरे सामने ऐसा होगा और मेरा हाथ नारायण के हाथ के ऊपर होगा। इस संसार में मुझे लगता नहीं कि मुझसे ज्यादा बड़ा भाग्यशाली कोई दूसरा होगा, सो मैं अपना वचन छोड़ने वाला नहीं हूं। गुरुदेव क्रोध में भर गए, गुरुदेव बहुत बड़ा तो अपने आप को दानी समझता है राजा, जा तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी ने भी बलि को शापित कर दिया, पर अभी भी बलि ने अपना भाव नहीं बदला, अपने वचनों को नहीं तोड़ा है। कहने लगे महाराज आप संकल्प पढ़िए। जैसे संकल्प पढ़ने लगे तो शुक्राचार्य जी ने एक बार और सोचा, क्या पता इससे काम चल जाए, तो जिस पात्र से जल बाहर निकलना था उस पात्र के अग्रभाग में बैठ गए शुक्राचार्य जी। अब जल बाहर निकलता ही नहीं, संकल्प कैसे पढ़े। वामन भगवान कहने लगे, हे राजा ये पात्र मुझे दीजिए। एक तिनका उठाया मेरे प्रभु ने और उस पात्र के क्षेत्र में, और जैसे वो तिनका डाला शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाए नमो नमः। आंख खोलने का कारण क्या है, मानो भगवान के ध्यान से सुने, मानो भगवान कहना चाहते हैं ये जो दो नेत्र है जीव के, ये ज्ञान और वैराग्य है। हे शुक्राचार्य ये ज्ञान रूपी नेत्र दृष्टि तो तुम्हारी एकदम पार की है, क्यों मैं भेष बदल करके आया पर तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि से मैं बच न सका, ये तुम्हारे ज्ञान की विशेषता है। पर तुमने जो तुम्हारी जो वैराग्य रूपी जो दृष्टि है ये कुछ ठीक नहीं थी, सो मैंने आज उसे ठीक कर दिया है। इतना कहा और अब जब भगवान जैसे संकल्प पड़ा, जैसे जल निकाला भगवान ने, जैसे जल निकाल संकल्प पूर्ण हुआ, सो कहने लगे भगवान ने विशाल स्वरूप अपना आज दिखाया, और धन्य है ये दैत्य कुल में जन्मे बलि, आज भगवान का विराट स्वरूप तुम्हें देखने को मिला है। विराट स्वरूप भगवान ने बनाया, सो कहने लगे हे बलि देख मेरा पहला चरण, और जैसे नीचे की ओर पहला चरण बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, सातों के सातों तल एक चरण में नाप लिए। दूसरा चरण जैसे ऊपर की ओर बढ़ाया, बोले बलि देख भू भू स्वा मह जन तप और सत्य लोग, सातों के सातों लोग नापते, और भगवान का चरण अग्र और आगे की ओर जैसे बढ़ा, और एक ब्रह्म रंध्र का भगवान के चरणों ने भेदन किया और लावा के रूप में वहां से एक विवर की धारा जो जल में परिवर्तित हो करके जल की धारा भगवान के चरणों से और बहने लगी, और वह जल की धारा जैसे आती है और स्वर्ग में जैसे आई, ब्रह्मा बाबा ने उस जल की धारा को अपने कमंडलों में धारण कर दिया। ब्रह्मा बाबा के कमंडलों से जैसे ही वो जल की धारा स्वर्ग लोक से सूर्य लोक और चंद्र लोक के लिए आगे बढ़ती है, जैसे स्वर्ग लोक में उपस्थित वो जल की धारा है वो चार भागों में विभक्त हो गई। सीता
अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें जो अलकनंदा नाम की जल की जो धारा है वो गंधमानंद पर्वत पर होती हुई और गोमुख में जाकर के सीधे गिरी और गोमुख से वो गंगा रूप में परिवर्तित होकर के फिर धरती पर आई। आपने कथा सुनी है, सगर के अपने राजा भगीरथ ने तपस्या की थी और भगीरथ के जल की धारा को भूलोक पर लेके आए थे, सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया था। वो जल की धारा इस प्रकार से पर्वती स्वर्ग लोक पर आती हुई और समुद्र में जाकर के समा गई, जिसको आज हम विष्णुपदी भी कहते हैं। बलि जो देखता सो देखता रह गया। राजा, तीन पग भूमि का संकल्प पड़ा है, दो पग तूने मेरे देख लिए, तीसरे पग के लिए अब जगह तो बची नहीं, ये बता तीसरा पग मैं कहां रखूं। बलि जितने में सोच रहा था, भगवान परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहे हैं हाथ बलि की, जरा देखो तो सही इसको मेरे प्रति कितनी निष्ठा है। पर्ण को सारा क्या पर्ण फांस में बांध लिया बलि को, बोले बलि या तो नरक में तीसरा चरण रखने के लिए जगह दे या तो नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। बलि ने बड़ी सुंदर एक बात कही, प्रभु एक बात कहूं आपसे, धन बड़ा कि धनवान बड़ा। भगवान कहते हैं धनवान बड़ा है, तो प्रभु दो पग में आपने मेरी धन संपदा तो ली है अभी तक, ये धनवान तो आपके सामने खड़ा है। पति पदम तृतीयम, अपना ये तीसरा चरण है ना प्रभु, इसे आप मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। भगवान गदगद होकर के कहने लगे, बलि मैं तो तुझसे सब कुछ तुझे लूट छीनने आया था, आज सब कुछ तुझे देने का मन करता है, धन्य है ये बलि। इतने में ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु आपकी लीला समझ में आई नहीं, कोई साधारण सा तुलसी दल आपको चढ़ाता है और आप अपना सर्वस्व उसको दे देते हैं, इस बलि ने तो पूरी त्रिलोकी आपको दे दी और आपने इसको बंधन युक्त करके रखा है, ऐसा क्यों प्रभु। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जिसको धन का अभिमान हो जाए मैं उसका धन छीन लेता हूं, जिसका बल का अभिमान हो जाए उसका बल छीन लेता हूं, जिसको अपना राज सिंहासन गद्दी का अपमान हो जाए मैं उसको छीन लेता हूं, वो पूर्ण रूप से जब निर्भीक होकर के और मेरे चरणों का अनुरागी बन जाता है तब मैं उसके दान के रूप में देता हूं। हे बलि मांग तुझे क्या चाहिए। बलि पूर्ण रूप से धर्मात्मा हो गया है, कहने लगा, प्रभु आपको देखने के बाद अब कुछ मांगने की इच्छा तो रही ही नहीं, बस यही चाहता हूं कि जीवन पर्यंत जब तक मेरा जीवन है बस आपकी बाकी झांकी हर पल हर क्षण आपकी बाकी झांकी देखता रहूं। इतने में प्रह्लाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करते गदगद होते प्रह्लाद जी सामने आए, भगवान के चरणों में पड़ गए, कहने लगे, प्रभु आपका देना भी निराला और आपका लेना भी निराला। बलि की पत्नी वो भी विंध्यावली वो भी स्तुति करने लगी, बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान गदगद हो गए, कहने लगे, प्रह्लाद जब तक स्वर्ग लोक की पदवी बलि को नहीं मिल जाती तब तक सुतल लोक में वही साम्राज्य जो स्वर्ग लोक की पदवी में होता है वही मैं तुम्हें सुतल लोक को भोगने के लिए कहता हूं जब तक स्वर्ग का पद रिक्त न हो जाए। प्रह्लाद जी अपने परिवार को लेकर के सुतल लोक की ओर प्रस्थान करो, मैं तुमने कहा कि हर पल हर क्षण तुम मेरे दर्शन करो तो तुम सब अपना राजकाज करना और मैं द्वारपाल बन करके तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा, तुम आते जाते मेरे दर्शन करते रहना। यहां लक्ष्मी मैया को पता चला, जल्दी मैया सुतन लोक जैसे गई, राजा बलि ने देखा, आप कौन है, बोले परिचय क्या क्या करोगे, तुम्हारी कोई बहन नहीं आपका बहन बना लो। बलि ने बहन बनाया,
रक्षा बंधन जैसे आज रक्षा सूत्र बांधा बलि की हाथ में, और बलि से बलि ने कहा, बोले बहन मुझे क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो द्वारपाल खड़ा है तेरे द्वार पे, ये द्वारपाल मुझे दे दे। अपने स्वामी को लिया और अपने बैकुंठ धाम को चल दी। पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के घर में चतुर व्यूह में चतुर शक्ति के रूप में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न प्रकट हुए हैं। अद्भुत रूप विचार करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता। सो अवहित लागी जन अनुरागी पयहु प्रकट देखम। सो अवहित लागी जन अनुरागी पयहु प्रकट श्रीकम। पयहु प्रकट श्रीकम सुनि वचन सुजाना रोग निधाना होइ बालक सुर भूपा। होइ बालक सुर भूपा। आज भगवान ने बालक के रूप में जैसे मैया कौशल्या की गोद में आए, खिलखिलाती हंसती मैया और अपने बालक को पुचकारने लगी। गदगद होकर के सूर्य देव जी दर्शन करने लगे मेरे प्रभु के। सूर्य वंश का उजाला आज प्रकट हो चुका है, पर चंद्रदेव कुछ रुष्ट है। तो भगवान से मनी मन में स्तुति करने लगे, प्रभु जरा सूर्य देव को कहो ना कुछ आगे बढ़े, ये जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ। भगवान अंतर्यामी है, जिसका नाम लेते ही मनुष्य के पाप ताप और संताप रूपी शत्रु समाप्त हो जाया करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न देख प्रकाशा। नाम सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न देख प्रकाशा। नाम ही ऐसा है, अंदर के और बाहर के शत्रुओं का जब नाश करते हैं तो आप दूसरी सीढ़ी में प्रवेश करते हैं। कौन? मेरे लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी का स्वभाव का लक्ष्य क्या है? राम को पाना है। लक्ष्य दृढ़ हो तो राम तत्व को आपको प्राप्त होती है। राम जी बन जाते समय कहने लगे, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, मैं जा रहा हूं जंगल, पिता का आदेश है, माता पिता की सेवा अच्छे से करना। लक्ष्मण कहने लगे, क्या कहा प्रभु? माता पिता? बोले मैंने माता पिता भाई और बंधु तो सब आपके पास देखे हैं, आपके अतिरिक्त मैं और किसी को जानता नहीं। गुरु पितु मातु न जानो काहु, कहो सुबाहु नाथ पति आओ। मैं आपके अतिरिक्त तो किसी में कुछ और देखता ही नहीं, सारे संबंध मैंने आप ही निहित किए हैं प्रभु। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। भगवान भी गदगद होके मानो कहने लगे, चल लक्ष्मण माता पिता का आशीर्वाद ले, वन की ओर जाना है। ऐसे लक्ष्मण दृढ़ संकल्प जब दूसरी पार करते हैं, आप भरत जी तीसरी सीढ़ी में जैसे चरण रखा,
प्रथम चरण। भरत जी का स्वभाव क्या? भरत जी का स्वभाव मैंने भर देने वाले हैं क्या? मेरे प्रभु के नाम को जीव के हृदय में जो लबालब भरते उसका नाम भरत जी है। पर भैया इस हृदय में तो अमता ममता रूपी शत्रु घर करके बैठे हैं, तो जो पहले ही पात्र भरा हो उसमें भगवान का नाम का पात्र कैसे भरे? तो भरत जी का नियम है पहले उस पात्र को खाली करे, अहमता ममता रूपी पात्र को जब उस खाली करे और उसके बाद मेरे राम जी के नाम का उस पात्र में दान करे तब वो पात्र होता है। ऐसा स्वभाव मेरे भरत जी का है। उसके बाद जब शत्रुघ्न का नाम लिया, अहमता ममता नाम के शत्रु समाप्त हो गए, लक्ष्मण जैसा लक्ष्य बनाया, भगवान राम के प्रेम को हृदय में लबालब भर दिया भरत जी ने, तब जाके राम तत्व की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं हृदय में जिसके राम लला का निवास हो तो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि त्रिविध जो ताप है जब वो इस संसार रूपी ताप जब तपाने लगते हैं तो साक्षात सीता मैया आकर के और अपने पल्लू को और अपने भक्तों के ऊपर कृपा रूपी प्रसाद और भक्तों के ऊपर रख के भीतर भी आनंद और बाहर भी आनंद मेरे राम तत्व प्राप्त हो जाता है। भला ऐसे परिवार में कौन न जन्म लेना चाहिए। हमारा भी तो यही चाहते हैं, आओ आप और हम लोग भी यही प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु हमारा भी जब जन्म हो तो रघुकुल जैसा कुल हो। ये जन्म तो जैसे कैसे आपका नाम ले लेकर के हम बिता देंगे, दूसरा जब भी हमें कोई जन्म मिले प्रभु तो रघुकुल जैसे वासी हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सगराना हो, चरण ओ राघव के जब मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सगराना हो, चरण हो राघव के जब मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जमारी हो उसके जैसी संतान हमारी हो। सदा सबण जैसी सदा सबण जैसी सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो। अनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, अनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। मेरे जीवन नैया हो, मेरे जीवन नैया हो, प्रभु राम के वैया हो, प्रभु राम के वैया हो। राम कृपा के सदा सिर पर चैया हो, राम कृपा के सदा मेरे सिर पर चैया हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या मां
शिशुपाल जैसे जब राक्षस होने लगे, उनके अत्याचार से पूरी प्रजा दुखी है। बहुत समय बीत गया, प्रजा अत्यंत दुखी है। एक बार सबके सब देवताओं से और चल दिए ब्रह्मा भवन के पास। बाबा ये जीवन ऐसे ही कट जाएगा, इन राक्षसों के अत्याचार हम कब तक सहन करेंगे? ब्रह्मा जी ने सुनो, मेरे कान पे भी एक आकाशवाणी हुई है, भगवान ने स्वयं आकर के कहा है। बोले क्या कहा प्रभु? वासुदेव सुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। भगवान ने कहा है क्या? वसुदेव गृह साक्षात, वसुदेव जी के घर में साक्षात नारायण का प्राकट्य होने वाला है। बोले वसुदेव के गृह, वसुदेव जी तो जेल खाने में है, तो घर किसको कहते हो? ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते। न गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृहमोचते। जिस स्थान पर गृहिणी रहती है उसी को घर कहा जाता है, उसको जेल खाना नहीं कह सकती। इसलिए वसुदेव का घर कहा, जेल खाने को भी घर की उपाधि दे दी। साक्षात नारायण प्रकट होने वाले हैं, इसलिए सब लोग चलो मथुरा को। बोले सब लोग ये इसरिया मथुरा में जाके क्या करेंगी? बोले मेरे भगवान भी अकेले नहीं आ रहे हैं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, उनकी आलादनी शक्ति राधा रानी भी प्रकट होने जा रही है। इसलिए अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के और चलो सब मथुरा की ओर। फिर तो सब सज धज के चलते हैं आज मथुरा नगरी, तपस्थली नगरी मथुरा नगरी को आज सब लोग प्रसन्न होकर के जाने लगे। क्यों? मेरे प्रभु का प्राकट्य दिवस है। कंस इतना दुराचारी उस मथुरा का राजा, अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाल दिया है, स्वयं हठात राजा बनकर के बैठा है। कसी शब्द व्याकरण की भाषा है, कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। जिसकी नित्य नित्य क्रूरता जिसके मन में भरी पड़ी हो, क्रूर कार्य में जो संलग्न रहता है, उसका नाम कंस है। एक दिन कंस की दृष्टि पड़ गई अपने दुर्बल के पुत्री द्रौपदी की ओर। देवकी की पुत्री देवकी के ऊपर सोने लगी, बहन सयानी हो गई, इसका विवाह करना चाहिए। देवकी का रूप लावण्य ने देखा और ये भी सोचा कि प्रजा मुझे अभी तक क्रूरता रूप में देखती है। बर ढूंढ दिया मेरे वसुदेव जी को और विवाह में विदा करते समय और झूठे झूठे घड़ियाली आंसू निकालने लगा कंस। बड़ा अच्छा अवसर है प्रजा के सामने अच्छा भाव दिखा के आंसू बहा करके, और क्रूरता मेरी समाप्त हो जाएगी, प्रजा में मेरा मान बढ़ेगा। रोने लगा। सारी प्रजा कहने लगी देखो तो हम इसको बड़ा क्रूर समझते थे, देखो अपनी बहन के विवाह में और कैसा घुट घुट करके रो रहा है। यहाँ देवता सारा दृश्य देख रहे हैं। देवताओं ने सोचा यदि प्रजा की तरह यदि देवी को भी ये भान हो गया कि मेरा भैया क्रूर नहीं है तो भगवान इसे मारेंगे कैसे। आकाशवाणी कर दी, अश्चातम अष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुदा। हे कंस, जिस बहन की विदाई के समय तू फूट फूट करके रो रहा है, तेरी इस बहन के गर्भ से ही आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना जो सुना वाणी को और कंस ने इसको भगवान की आकाशवाणी समझ करके और जो रथ से उतरा तलवार खींच ली और जैसे मारने के लिए उद्यत हुआ, जो रथ से पटका है देवकी को, भगिनी महंतो मारव खड्ग पाणी कचे गृह। बाल खींच कर धरती पर पटका और जैसे खड़ग निकालने लगा, मेरे वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए कंस के। पति
पति का कहने का मतलब ये नहीं कि घर में राशन भरती वो पति है, नहीं, पाती रक्षति सा पति, जो हर पल हर क्षण अपनी पत्नी की रक्षा करे उसका नाम पति है। हाथ पकड़ करके मारो वसुदेव जी कहने होंगे, राजा पता है ये कौन है, तुम्हारी बहन है और पूरे संसार में तुम्हारे शक्ति के कीर्ति पताका लहरा रही है, आज बहन को मार करके क्यों अपनी कीर्ति पताका को ध्वस्त करना चाहते हो, और बहन तो पुत्री के समान होती है, इसको मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। कंस कहने लगा मेरे काल को जन्म देगी, मैं इसे छोड़ू कैसे। वसुदेव जी ने विवेक और धैर्य का साथ लिया, कहते हैं जब विपत्ति कभी आए तो हमेशा विवेक और धैर्य से काम करना, भावावेश में आके कोई गलत गलत मार्ग कभी नहीं उठाना चाहिए। कोई बात यहाँ पर वसुदेव जी के लिए बड़े धैर्य के साथ कहने लगे, राजा तुम्हें हमारे संतान से डर है, भय है ना, तो आपसे मैं आज एक वादा करता हूं, मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं एक एक करके तुमको तुम्हारे समक्ष लाऊंगा, तुम अपने हाथ से उनको मृत्यु दंड देना। कंस को ये बात समझ में आ गई, इतना कहा और चल दिया कंस, पर मेरे वसुदेव जी ने क्या कहा, कर दिया, यहां अपनी पत्नी की रक्षा कर दी एक, और कंस की मृत्यु सुनिश्चित कर दी। इसको कहते हैं विवेकशील पुरुष। कालांतर में प्रथम जो पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का पुत्र, चल दिए वसुदेव जी और कंस के हाथ में दिया। कंस ने उस पुत्र को देखा, ये भी मेरा भला क्या करेगा, छोटा सा बालक ही तो है, और दे दिया वसुदेव जी के हाथ में। वसुदेव जी के हाथ में जैसे दिया इतने में नारद जी आ गए, एक कमल का पुष्प लेकर के, और कंस को कहने लगे, ये मेरे नारद जी की लीला है, भगवान के मन है, ये भी लीलाएं करने में बहुत माहिर है। कहने लगे, हे राजा इस कमल की आठवीं पंखुड़ी तो गिन। अब राजा ने कंस ने वो कमल उठाया और एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, फिर यहां से गिना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यानी बात समझ में आ गई कि पहला पुत्र भी आठवां हो सकता है। मन में दुविधा डाल दी कंस के, कीर्तिमान को छीना वसुदेव जी के गो से और धरती पर पटक दिया। ऐसे एक एक करके छह के छह पुत्रों को कंस ने आज अपनी बहन के पुत्रों को मृत्यु दंड दे दिया है। आज सातवें पुत्र के रूप में मेरे संकर्षण भगवान, साक्षात संकर्षण भगवान के रूप में आए, योग माया को प्रकट बुलाया, योग माया को जैसे सामने प्रकट किया, बोले जो जो कहता हूं वो ध्यान से सुनो आप। मैं देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में आ रहा हूं, हे योग माया इस गर्भ का कर्षण करके और तुम रोहिणी के गर्भ में इसको स्थापित करो, मैं आठवां देवकी का आठवां पुत्र बन करके आऊंगा, मैं आठवां पुत्र बन करके जैसे ही आऊंगा वहां गोकुल में एक कन्या होगी, मुझे वहां स्थापित कर, वहां से उस कन्या को लेकर के आ जाना, कंस तुम्हें साधारण कन्या समझेगा और साधारण कन्या समझ के जैसे ही तुम्हें धरती पर पटकेगा तुम नौ नौ दुर्गा बन करके प्रकट होगी, पूरा संसार तुम्हें गुप्त रूप में समग्र रूप में तुम्हें नौ नौ दिन का दिन तक तुम्हारी स्तुति करेगा, तुम्हारा पूजन कर गया, योग माया प्रसन्न हो गई। एक एक बात बता दी, इतना कहा भगवान सप्तम कर्म जो कर संकर्षण का है वो रोहिणी के कर्म में साथ किया, यानी परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर मिल गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया था एक बालक की दो मां कैसे हो सकती है, इसी प्रकार से मेरे संकर्षण भगवान, मेरे भगवान की दो माताएं हुई रोहिणी और देवी की, प्रश्न का उत्तर मिल गया। इतने एक एक बात कर करके और यहां आज देवताओं को पता चला है कि साक्षात भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं, भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी को इत्यादि को लेकर के सबके सब चल दिए।
जेल खाने में भगवान की स्तुति करनी है, साक्षात तो भगवान आने वाले हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाए, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाए, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाए, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाए, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाए, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सति, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्, कृष्णा शरणागतं पाहि, स्मरय च चिन्तयन् नामानि रूपा निज मङ्गलानि ते, क्रियासु यास्व चरणारविन्दयो नावेष्ट चेता नववाय कल्पते, स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, शरणागतम पाहि, शरणागतम पाहि। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कुछ लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाते हैं। ये कंस जैसे ही उनमें से एक है। विप्रागाव सवेदाश तपस्यत्यं दमः सम श्रद्धा दया दीक्षा च कृतवश हरेस्तनु, ब्राह्मण दया वेद तप दान ये भगवान के अंश है। और भगवान जिनके जो इनके वेदों पे गाय पे दबे दान पे जो भी अपन करता है, इन पे दुराचार दृष्टि रखता है, समझ लेना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाते हैं। आज कंस ने भी अपनी मृत्यु को बुलाया है। कंस ने आदेश दे दिया, एक महीने के जितने भी बालक है सबको लेकर के आओ, मैं मृत्यु दंड दूंगा। वहाँ कंस अपनी प्रतिज्ञा में लीन है, पर सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित उधर जरा गोकुल में भी तो देखो, गोकुल में क्या हो रहा है। जिस गोकुल में आज साक्षात मेरे भगवान का प्राकट्य हो चुका है, गोकुल में योग माया के कारण सब अवचेता अवस्था में पड़े हैं। जो नंद बाबा आए और यशोदा जी के समीप में एक सुंदर से बालक को देखा, गदगद होकर के वो ध्यान ले आया, अपनी बहन को बुलाने चल दिए। बहन को बुलाया, बोले चल, जैसे गोकुल में पहुंचते हैं और जैसे उठाया उस बालक को और गोद में रख के गदगद होकर के मानो कहने लगी, भैया ये बताओ उत्सव कैसे मनाएं? सबसे पहले मेरे नंद बाबा ने ब्राह्मणों का आह्वान किया है,
इस संसार में ब्राह्मण से बड़ा कोई दूसरा योनि नहीं है। स्वयं भगवान कुछ भी कर्म करने से पहले ब्राह्मणों का आवाहन करते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने, जैसे ब्राह्मण आए, नंद बाबा को कहा, चलिए बहुत वर्षों के बाद पिता बने हो, जरा गंगा जी में जाके 108 डुबकी मार के आओ। और प्रेम में विवल मेरे नंद बाबा ने 108 डुबकी मार करके और जैसे आए, बड़े सुंदर आभूषण पहने। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा का स्वरूप ऐसा हो गया मानो जैसे अभी अभी तुल्य बने हो। ब्राह्मणों को कहा, पूजा अर्चना करो। अब ब्राह्मणों ने अश्वस्ति वाचन शुरू कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवा, स्वस्ति न पोखा विश्ववेदा, स्वस्ति न सारिक्षो वरिष्ठदेवे, स्वस्ति नो वेदस्वति ददातु। ब्राह्मण ने बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन करके पूजा अर्चना की, गदगद हो करके नंद बाबा से कहने लगे। नंद बाबा इतने प्रेम में व्युल है कि साथ साथ अन्न के जैसे ढेर लगाए हो, तिल के ढेर लगाए हैं सामने। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते, रत्न आभूषणों से अलंकृत 2,00,000 गायें ब्राह्मणों को दान में दी हैं। बड़े प्रसन्न है नंद बाबा, इस उत्सव को कैसे मनाए। वहां गोपियों को आज पता चल गया, योग माया के कारण यशोदा मैया जो होश में आई, जो ब्राह्मणों को देखा, पूजा अर्चना करके गदगद हो गई। गोपियों को पता चला, 84 गज के लहंगे बनाए हैं गोपियों ने मेरे कृष्ण के प्रेम के उत्सव मनाने के लिए। और गोपियां सब दौड़ती दौड़ती, हाथ में माखन है, हाथ में मिश्री है और पीतांबर के लहंगे बनाए सब गोपियां सुंदर स्वरूप बना करके जो आज आई है। कहते हैं गर्भ संस्कारों से शुद्ध होता है। देखो हमारे बुजुर्ग लोग पहले क्या करते थे, जब माँ कोई भी स्त्री गर्भवती होती थी ना, तो कहते थे जिस कक्ष में तू सोती है उस कक्ष के ठीक सामने मेरे लाला की फोटो लगा दे, जैसे तू नेत्र खोलेगी ना मेरे गोपाल लाल पे दृष्टि पड़ेगी, तेरे मन के भाव में गोपाल जागेगा, तेरी इंद्रियां पुष्ट होंगी, पवित्र होंगी और उस इंद्रियों को पुष्ट होकर के तेरा गर्भ सुरक्षित और पवित्र होगा। संस्कारों से गर्भ शुद्धि होती है। आज भगवान निराकार मेरे कृष्ण सगुण साकार बन करके और बाल रूप में यशोदा मैया की गोद में हंसते खिलखिला रहे हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर उत्सव। अभी आपके सामने मेरे प्रभु के प्राकट्य दिवस के उसमें बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाएगा। उससे पहले कुछ नंद के घर आनंद भयो, ये क्यों नहीं कहा होगा कि नंद के घर कृष्ण भयो, नंद के घर माधव भयो, नंद के घर बलराम भयो, क्यों नहीं कहा होगा? क्योंकि मेरे प्रभु का नाम ही आनंद है केवल, इसलिए नंद घर आनंद भयो। मेरे रावत परिवार के प्रांगण में जो इस समय नैमिषारण्य का तीर्थ बन चुका है, जो इस समय गोकुल बन चुका है, आपके सामने बड़ा सुंदर उत्सव अभी आपके मनाया जाएगा। Thank you.
को दिए हाथी घोड़ा को दिए पान की उनको दिए हाथी घोड़ा उनको दिए पान की छोड़ा ले तो हाथी घोड़ा कदम्ब में वृंदावन का कण कण बोले
बोले श्री राधा राधा श्री राधे श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा बोले श्री राधा राधा हरि बोल भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं श्री मथुरा जी में श्री जन्म भूमि पे केशव देव जी श्री द्वारिकाधीश जी भूतेश्वर पे विश्राम घाट पे श्री स्वामी घाट पे मधुबन जी में मधुकुंड पे मधुबन बिहारी पिपलेश्वर महादेव अक्रूर भवन में कूप में रंगेश्वर महादेव ज्ञान वापी में महाविद्या देवी भज मन श्री राधे गोपाल नाथ मथुरा में जन्म लियो नाथ मथुरा में जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद खेलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद खेलैया की आरती कृष्ण कन्हैया अधर धर मुरद धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया सासुर मारो कृष्ण तुम घन सासुर मारे कृष्ण तुम घन सासुर मारो कृष्ण तुम घन सासुर मारे श्याम तप भूमि भर कार्यो श्याम तप भूमि भर कार्य कालिया आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे 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 श्याम भक्तों के रखवारे श्याम भक्तों के रखवारे कन्हैया दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कन्हैया दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
Kanan kundal sobhita
गाते हो मैया मेरे सासुर गाते दो प्रभेलो जन नयन मधुर बेलो जन नयन निस दिन मद माते हरि ओम जय अम्बे गौरे चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे मधु कैटब दो मारे मधु कैटब संगारे सुर Thank you.
Happy birthday.